नमस्कार। श्री समृद्धि क्लासेस की ऑनलाइन कैसरी सॉल्यूशन में आज हम पेपर नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपके कुछ कमेंट में क्वेरीज हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला आपका आ रहा है कि कमेंट्स में आपके आंसर नहीं दिए जा रहे, प्रत्येक कमेंट्स का आंसर दिया जा रहा है। दूसरा है कि सर आप बोर्ड पे सॉल्यूशन करवाइए। दोस्तों, इसलिए आपका बोर्ड पे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि हम इन सभी पेपर्स का क्लास में सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दूसरा, आपको अस्तित्व ऐप पर जितने भी ऑनलाइन पेपर्स हो चुके हैं, अब तक 37 पेपर हो चुके हैं, आज 37 पेपर है, तो उन सभी की पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में है, तो आप उन्हें प्रिंट आउट निकालिए और आपके सामने रखिए, जिससे कि जो भी आंसर है या नई चीज अपडेट करनी है तो उसी में लिखते रहिए। तो हम पेपर नंबर आज 9 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने ट्रांसफरिंग, पुशिंग, पुलिंग और डाउनलोडिंग। हम जानते हैं कि इंटरनेट से सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए हम डाउनलोडिंग का प्रयोग करते हैं। सही आंसर रहेगा आपका डाउनलोडिंग। दूसरा है, ईमेल में बीसीसी कॉलम का अर्थ है, बीसीसी फुल फॉर्म क्या रहेगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक है बीसीसी और एक सीसी, सीसी कार्बन कॉपी। हम देखते हैं, मेल भेजते हैं जब तीन विकल्प आते हैं, सबसे पहले टू सीसी और बीसीसी, तो यह है आपका प्राइमरी एड्रेस रहेगा। प्राइमरी एड्रेस और कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कॉपी आपका है सेकेंडरी एड्रेस। सेकेंडरी एड्रेस तीसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ई लर्निंग, क्लोज लर्निंग, आइसोलेट लर्निंग, आई लर्निंग। क्या कहेंगे, ई लर्निंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम है जो वेब पर की पहचान करता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम है जो वेब पर किसकी पहचान करता है। ऑप्शन है लिंक, पीडीए, वेबसाइट या वेब ब्राउजर। पहला है लिंक, तो यह एक खुद एड्रेस है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एक कंप्यूटर का ही रूप है, तो सही आंसर आपका रहेगा वेबसाइट। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम है जो वेब पर वेबसाइट की पहचान करता है। डी ऑप्शन है आपका वेब ब्राउजर, जो एक सर्चिंग टूल है, तो सही आंसर आपका रहेगा वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन, कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना, फोन के द्वारा लोड करना, एक प्रयोगकर्ता या उपयोग सभी। कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या रहेगा, एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात करना। सही आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट पता एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर किसी विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। अभी ऊपर ही हमने देखा है वेब एड्रेस, वेबसाइट पर एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर किसी विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजनेट के कितने कंपोनेंट होते हैं। पहले तो यूजनेट क्या है बता सकते हैं आप में से, यूजनेट
यूजनेट नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग न्यूज सर्वर के बीच यूजनेट समाचार लेख के परिवहन का कार्य करता है। तो इसके कंपोनेंट आपके रहेंगे न्यूज सर्वर और न्यूज रीडर, समाचार लेख है उनमें यह काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, निम्न में से इंटरनेट ब्राउजर है, निम्न में से इंटरनेट ब्राउजर है, .NET, याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आर्को, क्या रहेगा सही आंसर? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ब्राउजर का, इंटरनेट ब्राउजर है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वायरस क्या है, रोग, प्रोग्राम, हार्डवेयर या डिजाइन? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में उपलब्ध फाइलों की एक जैसी बहुत सारी कॉपी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेलनेट, टेलनेट है सर्च इंजन, ब्राउजर, प्रोटोकॉल या गेटवे? तो हम जानते हैं टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, डी ऑप्शन आ रहा है आपका गेटवे। गेटवे क्या है? गेटवे आपका है नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न प्रोटोकॉल को आपस में नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, निर्धारित नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डोमेन नाम, अंतिम तीन अक्षर किसके प्रकार का वर्णन करते हैं? हमने देखा है @gmail.com लगाते हैं पीछे के तीन अक्षर, तो इस तरह से हम किसी भी साइट के पीछे इन है पाक PAK इस तरह से साइट लिखी हुई आती है, तो वो क्या कहलाती है? एक संगठन का नाम होता है किसी भी साइट की। तो डोमेन नाम अंतिम तीन अक्षर किसके प्रकार का वर्णन करते हैं? तो वो किसी न किसी संगठन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन मॉड्यूलन और डी मॉड्यूलन के उपयोग किया जाता है, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर? मॉडेम सही आंसर रहेगा, मॉडेम जिसका प्रयोग इंटरनेट के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है, और मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य भी करता है। आपका सही आंसर रहेगा सी, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया शामिल होता है जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं? देखिए, अटैचमेंट, मेल बॉक्स, हाइपरलिंक या IP एड्रेस। किसी भी ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। सही आंसर रहेगा आपका मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एड्रेस दे रखा है 192.6.200.123, तो यह एड्रेस है किस प्रकार का? ऑप्शन देगी इथरनेट एड्रेस, IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस या लैन एड्रेस। यह एक प्रकार का IP एड्रेस है, यह एक प्रकार का IP एड्रेस है। तो यह आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस तरह से आपका एक एड्रेस दे रखा है। तो क्वेश्चन आता है कि वैध एड्रेस आपका वैध है या नहीं,
तो उन्हें आप किस प्रकार से पहचान करेंगे? कोई भी एड्रेस आपको दे रखा है आईपी एड्रेस, तो उसकी दो अनिवार्य होता है विशेषताएं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। एक तो ये चार ब्लॉक में बटा होगा, एक दो तीन या चार, इस तरह से यह चार ब्लॉकों में, चार ब्लॉक होंगे एक आईपी एड्रेस में। और दूसरा, जीरो से 255 तक के ही अंक इसमें काम में लिए जाएंगे। आईपी एड्रेस में आपके वैध आईपी एड्रेस में चार ब्लॉक होंगे, एक दो तीन और चार, और जीरो से 255 तक ही यूज होंगे इनमें, इस जगह पे, तो वो आपका वैध आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, इंटरनेट पर निशुल्क उपलब्ध प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर बग रिपेयर को क्या कहते हैं? वर्जन, ट्यूटोरियल, एफएक्यू या पेज? इंटरनेट पर निशुल्क उपलब्ध प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर बग पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी नेटवर्क जिसका उपयोग जानकारी दस्तावेज या फाइल और डेटाबेस के वितरण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके मैन, वैन, लैन या एक्स्ट्रानेट। तो मैन तो हो गया आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, और एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, www. में वह वेब पेजेज होते हैं जो, देखिए क्या कहते होते हैं, HTML के उपयोग से बनाए जाते हैं, कहीं कंप्यूटर्स में होते हैं, अन्य वेब पेजेस से जुड़े होते हैं, या एक दूसरे से जुड़े और HTML का उपयोग करने वाले कहीं में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, www. में वह वेब पेजेज होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा HTML का उपयोग करने के लिए संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का यूज करता है, ऑप्शन देगी सर्किट स्विचिंग, पैकेज स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग, क्या रहेगा? पैकेज स्विचिंग, सही आंसर आपका पैकेज स्विचिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर वह कंप्यूटर है जो से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क या क्लाइंट? तो हम जानते हैं नेटवर्क, सर्वर वह कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाक्षणिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन देखिए, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन। लाक्षणिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेटवर्क सर्वर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण है, कनेक्टिविटी, पावर कार्ड, डेटा, इंटरनेट या फ्लॉपी डिस्क, आपस में जोड़ने का कार्य इंटरनेट, सही आंसर रहेगा आपका इंटरनेट। किसी मेल को भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, कंटेंट्स, टू, सब्जेक्ट और सीसी। अभी हमने देखा था एक कंटेंट्स होता है, वो मैसेज बॉडी होता है, टू आपको बताया अभी प्राइमरी एड्रेस लिखते हैं, और सब्जेक्ट मेल का विषय, सही आंसर आपका रहेगा सब्जेक्ट, सीसी और बीसीसी,
सेकेंडरी एड्रेस है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अवांछित ईमेल के लिए कौन से शब्द का यूज होता है, फ्लेमिंग, बैकबोन, यूजनेट या स्पैम। अवांछित अनचाहे ईमेल के लिए स्पैम का यूज अपन करते हैं, स्पैम शब्द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टोपोलॉजी में नेटवर्क के घटक समान केबल के साथ जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या तात्पर्य है। टोपोलॉजी एक नेटवर्क की भौतिक बनावट को परिभाषित करते हैं। जैसे ऑप्शन है आपके सामने, स्टार, स्टार, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बस, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मैस, और चौथा ऑप्शन आपके दे रखा है रिंग। तो हम देखते हैं कि स्टार, स्टार नेटवर्क केंद्रीय नोड हब से जुड़े रहते हैं, इस तरह से। बस एक ब्रॉडकास्ट से जुड़े रहते हैं जो एक समान दूरी पे आपस में जुड़ते हैं। और जो मैस है आपके, ये सभी नोड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कि एक श्रृंखला में सभी कनेक्ट रहते हैं। ये इससे, ये इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, ये भी इससे। इस तरह से। और रिंग टोपोलॉजी जो रहेगा वह आपस में इस तरह से। तो टोपोलॉजी नेटवर्क के घटक में समान केबल से जुड़े होते हैं वह आपका क्या कहलाता है, रिंग, रिंग टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से कि एक मैश नेटवर्क में सौ कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, सौ कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने लिंक की आवश्यकता होती है। कितने लिंक की आवश्यकता होती है। आपको मैश नेटवर्क आपने देख लिया, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो मैश नेटवर्क में 100 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कितने लिंक की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और कई बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका एन, एन माइनस
वन अपॉन टू। इससे आपका लिंक आ जाएंगे। एन क्या है आपका यहां पे? कंप्यूटर की संख्या। कंप्यूटर की संख्या तो यहां पे आपके 100 कंप्यूटर दे रखे हैं, 100 × 99/2। चार हजार 950 इस तरह से ये निकलेंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को साझा करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क पर इंस्टॉल करना चाहिए। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को साझा करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क पर इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन है ए मॉडेम, बी राउटर, सी नोड और डी केबल। तो सही आंसर रहेगा आपका राउटर, बी ऑप्शन। यहां तक आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यूट्यूब के साथियों के कमेंट्स आते हैं कि आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज लीजिए, तो इसी तरह से ये अब तक आपके जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से संबंधित थे। अब आते हैं अपन लाइब्रेरी साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, फ्रेंच भाषा में पुस्तकालय को कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में पुस्तकालय को कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका लिब्रा, बी लाइबर, सी बिब्लियोथेक, डी बिब्लियोटेक। फ्रेंच भाषा में पुस्तकालय को क्या कहेंगे? बिब्लियोथेक। सी आंसर आपका सही रहेगा, लिब्रा और लाइबर क्या है? लिब्रा भी फ्रेंच भाषा का है जो लाइबर का समानार्थी शब्द है, जिसे आप क्या रहता है शाब्दिक अर्थ, प्रकाशक की दुकान, और लाइबर लैटिन भाषा का जिसका क्या अर्थ रहता है, पुस्तक। एक आया है आपके डी ऑप्शन है बिब्लियोटेक। बिब्लियोटेक किस भाषा, कैसा शब्द है? रशियन, रशियन भाषा का शब्द है। और बिब्लियोटेका, बिब्लियोटेका इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लाइबर से हुई है। लाइबर से, अभी बताया था आपको, पुस्तक, लाइब्रेरी, प्रकाशक या पुस्तक की दुकान, लाइबर का पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? विश्व में पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? ऑप्शन है 1774, 1374, 1510 या 1440। क्या रहेगा सही आंसर? विश्व में पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1374 में, तो 1440 की कोई घटना। सही आंसर रहेगा आपका 1374। फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना बिब्लियोथेक नेशनल 1440। आगे एक परिभाषा दे रखी है कि आपको बताना है कि यह किस विद्वान की परिभाषा है। किस विद्वान के द्वारा पुस्तकालय की परिभाषा में परंपरागत पाठ्य सामग्री के साथ साथ अपरंपरागत पाठ्य सामग्री को भी जोड़ा गया है, दृश्य श्रव्य इत्यादि को भी जोड़ा गया है, यह किसकी परिभाषा रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संस्थान की, रंगनाथन जी की परिभाषा पुस्तकालय से संबंधित, अगर किसी को पता हो तो बताओ। क्या कहा था रंगनाथन जी ने? कहा था पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसमें पुस्तकों का संग्रह इसलिए किया जाता है कि
उसका द्वार सर्वसाधारण जनता के लिए खुला रहे जो पढ़ना चाहते हैं। आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी परिभाषक एक कथन दे रखा है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज के संचित अनुभवों को समाज के जिज्ञासु पाठकों को प्रदान करती है, यह किसका कथन है? पियर्स बटलर महोदय का। ऑप्शन है आपके लावेल मार्टिन, पियर्स बटलर, एएलए ग्लोसरी। लावेल मार्टिन की भी परिभाषा कथन पुस्तकालय से संबंधित, इन्होंने क्या कहा था, पुस्तकालय सामाजिक व्यवस्था का एकीकृत रूप है, प्रतिरूप है। एएलए ग्लोसरी किसी को याद हो? एएलए ग्लोसरी लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जो बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्य सामग्री का व्यवस्थित संग्रह करती है। तो यह आपकी रहेगी एएलए ग्लोसरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन कर अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन कर अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है आपके सामने विषय विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्था, उपदेशकर्ता या ग्रंथालय। स्वतंत्र मानसिक बौद्धिक विकास ग्रंथालय से होता है, क्योंकि वहां स्वयं पाठक जाता है, किताब एवं ज्ञान के बीच में वो अपनी बौद्धिक चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से खुद करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज बनाने की विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके सामने जापान, पुर्तगाल, चीन और नालंदा। कागज का आविष्कार चीन में 105 ईसा के बाद। ऑप्शन जापान में। जापान में क्या प्रकाश में आया था? सूचना समाज सद 1959-60 में। पुर्तगाल में प्रिंटिंग प्रेस। और नालंदा में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं सदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार कब और कहां हुआ? प्रिंटिंग प्रेस आपने देखा पुर्तगाल में, और तो आधुनिक मुद्रण गुटनबर्ग 1440 में। सी आंसर आपका सही रहेगा। भारत में प्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में प्रेस की स्थापना 1556 में। सही आंसर रहेगा आपका 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? लिखने के लिए सबसे पहले भोजपत्र का। सही आंसर रहेगा आपका भोजपत्र, फिर ताड़पत्र। समाज की उत्पत्ति आज से लगभग 700 ईसा पूर्व हुई, जिसका प्रमुख कारण था बागवानी, शिकार, खेती या उद्योग। समाज की उत्पत्ति आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुई, जिसका प्रमुख कारण खेती कृषि से माना जाता है। सही आंसर रहेगा आपका सी। सूचना समाज शब्द की उत्पत्ति कब हुई? 1959, 1969, 1949 या 1869। अभी हमने देखा था सूचना समाज जापान में प्रकाश में आया, जिसकी उत्पत्ति 1959-60 से मानी जाती है। तो सही आंसर आपका रहेगा 1959। 1969 की कोई घटनाक्रम आपको याद हो तो एलन पिचार्ड द्वारा बिब्लियोमेट्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था 1969 में। एलन पिचार्ड द्वारा बिब्लियोमेट्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था 1949 में।
1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जिसका दो बार संशोधित भी हुआ था, संशोधन भी 1972 और 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना समाज शब्द की उत्पत्ति कहां हुई? जापान में, सही आंसर रहेगा आपका जापान। 39 क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय मानवीय संबंधों का एकीकृत प्रतिरूप है, किसका कथन है? यह मार्टिन महोदय का। अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर ए बटलर महोदय, जिन्होंने क्या कहा था, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज के संचित अनुभवों को समाज के जिज्ञासु पाठकों को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, पेपिरस रोल क्या है? ऑप्शन ए है आपका मिट्टी की पट्टिकाएं, बी है पत्थर के अभिलेख, सी है हस्तलिखित ग्रंथ, डी है भोजपत्र। पेपिरस रोल आपकी सही आंसर रहेगा, मिट्टी की पट्टिकाएं। पेपिरस का कारखाना अलेक्जेंड्रिया में था। मिट्टी की पट्टिकाएं मिस्र में मृतकों के साथ में ही दफनाने का रिवाज था। मिस्र में मिट्टी की पट्टिकाओं को शव के साथ में दफनाने का रिवाज था, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या होती गई, बढ़ोतरी। जैसे जैसे इनकी बढ़ोतरी होती गई, जब इन मिट्टी की पट्टिकाओं को ही क्या कहा गया, मृतकों की किताब या मृतकों की ही पुस्तक कहा जाने लगा। पेपिरस रोल को पूछा जा सकता है मृतकों की पुस्तक निम्न में से है, ठीक है, तो पेपिरस रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन विधि का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, कहां से हुआ था? सुमेर वासियों द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, ऑप्शन ए दे रखा है आपका बेबीलोनिया। बेबीलोनिया क्या है? बेबीलोनिया, असीरिया, सुमेरिया, ये एक घाटी है, घाटी क्षेत्र होते हैं। तो बेबीलोनिया, यहां पे भी मिट्टी की पट्टिकाओं के लेखन कार्य होता था। यहाँ के दो पुस्तकालय प्रसिद्ध थे, एक बोरिप्पा और अम्यूराडी। बेबीलोनिया जो मिट्टी की पट्टिकाओं के लेखन कार्य होता था, यहाँ के भी दो पुस्तकालय प्रसिद्ध थे, एक का नाम था बोरिप्पा और दूसरे का नाम था अम्यूराडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने हेतु चमड़े का प्रयोग कब किया गया? चमड़े का प्रयोग मध्य युग में, सही आंसर आपका रहेगा मध्य युग। पुस्तकालय की स्थापना तथा विकास का स्वर्ण युग था 1100 से 1200 ईस्वी, 1300 से 1400 ईस्वी, 1400 से 1600 ईस्वी या 1600 से 1700 ईस्वी। सही आंसर है आपका 1600 से 1700 ईस्वी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश म्यूजियम 1759 में, सही आंसर रहेगा आपका 1759। बिब्लियोथेक नेशन, बिब्लियोथेक नेशन कहां स्थित है? अभी हमने देखा था फ्रांस में। इटली का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना? इटली का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना? 1714 ईस्वी। निम्न में से कौन से पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1661 में की गई थी? निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1661 में की गई थी? ऑप्शन है लेनिन स्टेट लाइब्रेरी, जर्मन स्टेट लाइब्रेरी, डेनमार्क स्टेट लाइब्रेरी या फ्रांस स्टेट लाइब्रेरी। सही आंसर रहेगा जर्मन स्टेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट है आपका 48, फ्रेडरिक पुले ने सामान्य पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका कब प्रकाशित की थी? कब प्रकाशित की?
सही आंसर रहेगा आपका 1848 में। ऑप्शन दे रखे थे आपको 1648, 1948, 1862 और 1848। सही आंसर रहेगा आपका 1848 में। ऑप्शन है बी, बी आपका 1948। 1948 की कोई घटना? ब्रैड फोर्ड द्वारा लॉ ऑफ स्केटर, सूचना के बिखराव का सिद्धांत भी दिया गया, का निर्माण किया गया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडू कार्नेगी जो कि लोको कारक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने लाखों डॉलर किसके लिए दान किया था? पुस्तकालय भवन के लिए। सही आंसर रहेगा ए, पुस्तकालय भवन के लिए। कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? ऑप्शन है आपका 1946, 1945, 1948 और 1950। सही आंसर रहेगा 1948 में। 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? यूनेस्को की। और 1948 की कोई घटना? कनाडियन लाइब्रेरी 1946। सही आंसर रहेगा 1946। और 1948 की कोई घटना आपकी? इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। यह था आपका 9 नंबर पेपर का सॉल्यूशन। सभी YouTube के साथियों से निवेदन रहेगा, श्री समृद्धि क्लासेज का नवाचार आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में।